डेक वाले की गलती थी, सारा मैच हो गया, लगाई जा रहा जीतेगा जीतेगा, पाकिस्तान खेल तो लेने दो, कोई रिजवान को फुफी का रिश्ता नहीं देना। मैं फांसी, मैं अपने आप फांसी लेना चाहता, मुझे बड़ा डर है यार। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। किसकी गलती थी मैडम? मुगेदी, मैं आ गई इधर। आज फिर भी कौन सा प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस कर सके जिसकी वजह से ऐसी हो जाए? बाबर आजम, बाबर आजम ने कैच छोड़ा है, बाबर आजम ने मैच अच्छा नहीं खेला, फिर भी परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाबर आजम ने शुरू से लेके कुछ नहीं किया, वो कैप्टन पता नहीं किस काम का है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा है आज। वो तो जाहिर है, वो तो खुश होगा, उसको तो चाहिए था कि पाकिस्तान हारे। हालांकि स्टार्टिंग में बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो है उसके बाद इन्होंने कोई अच्छा नहीं खेला, ना बैटिंग अच्छी हुई ना कुछ अच्छा। आसिफ अली ने सबसे बड़ी गलती किसकी थी मैडम? बाबर आजम की गलती थी, सबसे बड़ी बाबर आजम ही है जो ना इस लेके चल रहा है, अपनी किस तरह हैंडल कर रहा है और अपनी टीम को किस तरह चला रहा है, और नसीम और ये लोग ही लेके चल रहे हैं बस, इसके अलावा रिजवान लेके चल रहा है या इफ्तिखार है बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बताएं मैडम किसकी गलती थी? गलती ज़्यादातर तो शादाब की थी, क्योंकि उसने टू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैचेस थे ना वो ड्रॉप किए हैं, और लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो अच्छा खेलेगी, कोई बात नहीं। डोंट मैडम, आज किसकी गलती थी? आपकी। हमने क्या किया? आपने दुआ नहीं की। अच्छा, इंडिया ने और बांग्लादेश ने हमारी टीम पे मिलके बहुत ज्यादा जादू टोना किया जिसकी वजह से हम हार गए हैं। हमारी गलती थी, हमने इन लोगों को सपोर्ट किया। अच्छा नहीं, फिर भी इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, आप बताएं फिर भी किसने मैच हरवाया आज? शादाब खान। शादाब ने क्या किया? तीन कैचेस छोड़े हैं। जो तीन कैचेस छोड़े हैं, आप बताइएगा। यही हारा जीता हुआ मैच हार गए हम। आपको उम्मीद थी ये जीत जाएंगे जो हालात चल रहे थे शुरू से? शुरू में बहुत उम्मीद थी, लेकिन एंड पे सब खराब हो गया। किसने गलती किसने की? शादाब। शादाब ने, क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? नहीं, उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, माफ किया उसको। माफ किया, ऐसे माफ किया, वरना माफ नहीं करना था किसी को। सर किसकी गलती थी मैच में? आसिफ। आसिफ की, आप बताएं किसकी गलती थी? सारी टीम की। सारी टीम की गलती थी, मेरी गलती थी भाई ना। अच्छा यार, मेरी गलती है, हमारी गलती थी। किसकी गलती थी मैडम? बस पाकिस्तान की, क्या कैसे विकेट्स जो है ना 60/5 थे, उसके बाद इन्होंने ना इजी ले लिया मैच को। अच्छा आप बताएं किसकी गलती थी? पाकिस्तान की गलती है, सही तरीके से उन्होंने खेला ही नहीं, खेलना चाहिए था। जब 5 आउट हो गए उसके बाद फिर वो इन्हें इजी ले ली, फील्डिंग इजी ले ली, असल मसला वहाँ। फिर ये फखर जमान को खिलाते रहे बार बार, तो कोई और इनके पास प्लेयर ही नहीं है। बाबर आजम ने चले, वो कैप्टन है, सबको लेके चलते हैं उनका, लेकिन जो फखर जमान का वहाँ से मतलब इसकी गलती थी, पाकिस्तान की फील्डिंग की, मिस फील्डिंग की। अच्छा, मिस फील्डिंग की गलती थी भाई, किसकी गलती रही? सारा गलती रही है भाई, हमें श्रीलंका की तरफ से जी जो सिद्दी साहब निहायत कैचेस विन मैचेस, बड़ी बैड फील्डिंग हुई है और कुछ भी नहीं था, फील्डिंग अच्छी हो जाती ना तो सब ठीक था, दोनों ने अच्छा खेला। नवाज को ऊपर भेज देते, नवाज को ऊपर भेज देते इफ्तिखार की जगह, बात किया हमें बहुत ज्यादा। अच्छा किसकी गलती थी? मैं डिस्प्रेशन में, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। किसकी गलती थी आज? आज यार हमारी गलती थी, हम आगे गलती किसकी होनी है, 10वें ओवर तक ठीक चल रहे थे, असल मसला ये हुआ है कि ये लोग ना समझते कि हमने 180 कर लिया था, अभी कर लेंगे। अब ये हर एक बंदा हाथ में कैच देता जा रहा है, हाथ में कैच देता जा रहा है, ये कोई तरीका तो नहीं है ना यार, कम से कम अपने। मैडम आप बताएं किसकी गलती थी? किसी की भी नहीं, बस किस्मत की गलती थी, यही कह सकते हैं, जीत हार तो सबके साथ है ना ये। मैडम किसकी गलती थी आज? सॉरी आप बताएं किसकी गलती थी? गलती से स्टार्ट में तो बाबर आजम ने गलती की, क्योंकि बहुत वाइड गेंद था, उसने टच कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि जब आप स्टार्ट में पावर प्ले में अगर रन्स बनाते हैं तो वो बाद में बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर पड़ना है, ठीक है, उसकी वजह से फिर हर बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है सबसे मेन रीज़न वही था, और दूसरा रीज़न आई थिंक कि वो 2 केजेस जो छोड़े हैं वो, क्योंकि बाद में जो रन्स बने वो बहुत वैल्यूबल होते हैं, तो वही दो। और जो श्रीलंका की टीम थी वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह फील्डिंग का मुजाहिरा किया, जिस तरह बॉलिंग का मुजाहिरा किया, तो आई थिंक दे डिज़र्व दैट। ठीक है सर, किसकी गलती थी आज? सर हमारी गलती थी, हम आए देखने के लिए। गलती रिजवान की थी, रिजवान आउट हुआ, उसको सोच समझ के रुक के खेलना चाहिए था,
और बाबर आजम एज यूजल नहीं खेला, कप्तान का फिट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गेम है, जो अच्छा खेलेगा वो विन करेगा। अच्छा मैडम आप बताएं किसकी गलती थी आज, मैच देखा किसकी गलती रही? बस अच्छा नहीं खेले, बैटिंग नहीं अच्छी की हमारे पाकिस्तान की तरफ से, बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं, बॉलिंग अच्छी है उसमें सही रहते हैं, बैटिंग की सज़ा नहीं, बस और ज़्यादा मजीद मेहनत करें, हार्ड वर्क है उनकी। और दुख रहेगा इसको? नहीं दुख तो नहीं, जिसने जीतना था जीत गया, हार जीत की बात है बस। नो कमेंट, सॉरी। फिर भी किसकी गलती थी, किसने दुखी किया आपको आज? जाहिर है पाकिस्तान ने किया दुखी। दुख कितने दिन इतने, फर्स्ट टाइम हम इतने शौक से देखने आए हैं, बस बहुत दिल टूट गया। अब नहीं देखने आएंगे मैच? नहीं अब नहीं आना, मैं पहले भी बच्चों के फोर्स करने पे आई हूँ मुझे। अच्छा चले, किसकी गलती थी आज? यार गलती हमारी खुद की है, किसी की गलती नहीं है, ये रिजवान ने अपनी 50 के चक्कर में सारा पाकिस्तान का कैरियर तबाह कर दिया।